हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरस्टोल्स वाला। अरस्टोल्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दीवार काटने वाला मशीन के बारे में। दीवार कटिंग करने के लिए जो मशीन उपयोग होता है, इस्तेमाल किया जाता है, वही मशीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, दीवार काटने का मशीन तो बहुत सारा है और हर मशीन में अपना अपना एक खतरा है, लेकिन कुछ ऐसे मशीन है जो बहुत सेफ्टी से काम होता है और बहुत इजी काम होता है। कोई भी अनजान मिस्त्री जिसको नॉलेज नहीं है, कभी काटा नहीं है, वो भी ये सेफ्टी वाला मशीन यूज़ करके आराम से उसमें काम कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि कौन सा मशीन किसके लिए परफेक्ट है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राइंडर मशीन के बारे में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वॉल कटिंग करने का मशीन ग्राइंडर मशीन ही है, जो इससे सब मिस्त्री लोग काम करते हैं और जितने भी मिस्त्री है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो ग्राइंडर मशीन का यूज़ करके वॉल कटिंग करते हैं। बट इस मशीन में बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। और जनरली देखिए, इसमें आप सेफ्टी गार्ड लगा करके भी सही से काम नहीं कर सकते। तो मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि आप इसका अगर यूज़ करते हैं, अगर कोई मजबूरी है करने का, तब तो बहुत सेफ्टी से ध्यान रख के ही करना है। और इसको कैसे पकड़ा जाता है, आइए कुछ हम टिप्स दे देते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि ये मशीन सूटेबल नहीं है। आगे हम लोग वीडियो में बताएंगे लास्ट में कि कौन सा मशीन परफेक्ट है जो वॉल कटिंग किया जा सकता है। देखिए, ये मशीन अगर ग्राइंडर मशीन से हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि कैसे पकड़ना है। दोनों हाथों से अच्छे से मजबूती से पकड़ना है और अपने आप को साइड रखना है। वॉल हाथ से थोड़ा दूर रहेगा, बाय चांस अगर चलने में ये फंसेगा तो ये छटक करके आपकी बॉडी के ऊपर नहीं आएगा, इधर उधर जाएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कभी भी, मतलब अगर आप ग्राइंडर चला रहे हैं, दीवार कटिंग कर रहे हैं, तो दबाव नहीं डालना है। ये मशीन चालू होगा, ऑटोमेटिक कटेगा और कट करके वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी कटिंग करना है मशीन को तो अप से डाउन करना है, मतलब ऊपर से नीचे लाना है, ना कि नीचे से ऊपर। अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो बहुत हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने का, लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो फिर उसमें एक्सीडेंट का चांसेस कम रहता है। और बहुत ताकत से पकड़ के रखना पड़ेगा मशीन को। बाय चांस अगर थोड़ा बहुत झटका भी मारता है तो आपको हाथ से नहीं छोड़ना है मशीन को किसी भी हाल में। अगर आपका हाथ से छूट गया तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग चलाते हैं और कैसे काटते हैं वो देखिए। ये जैसे धीरे 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 नीचे कटिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, डाउन कट हो रहा है। इसी तरह से आपको भी कट करना है, ऊपर से नीचे की ओर लाना है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे तो आपको उतना दिक्कत भी नहीं होगा और आराम से कट जाएगा। और अपनी बॉडी को पीछे रख करके ही काम करना है, ये नहीं कि एकदम पीछे से खड़े हो गए और बीचों बीच बॉडी से काम कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। तो ये देखिए, ये दोनों लाइन कट चुका है। अब इसको हम लोग झाड़ेंगे, झाड़ करके ग्रुप दिखाएंगे कि कितना झरी बना है, पाइप का गेप कैसा निकला है। तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, 5 इंची का ब्लेड लगा करके भी आराम से काट सकते हैं अगर डीप काटना हो। अगर नॉर्मल काटना है तो 4 इंची का ब्लेड लगा करके आप काट सकते हैं। तो ये था ग्राइंडर से कटिंग किया हुआ ग्रुप। अब बात करते हैं कटर मशीन के बारे में। कटर मशीन से वॉल कटिंग कैसे करें, दीवार कटिंग कैसे करें कटर मशीन से। कटर मशीन से अगर आप काटते हैं तो कंपेयर टू ग्राइंडर मशीन बहुत सेफ है, आराम से आप काट सकते हैं। बट क्या है, उसमें भी कहीं कहीं प्रॉब्लम है कि आप कॉर्नर पे अच्छे से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत सेफ्टी से आप उसको काट सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे कटर मशीन से कटिंग कर सकते हैं हम लोग दीवार। बॉश का कटर मशीन है GDC 120। अब इससे हम लोग कटिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे सेफ्टी से काम कर सकते हैं। और ये मशीन झटका भी नहीं मारता है कंपेयर टू ग्राइंडर मशीन और आराम से कट सकता है। हाँ, इसमें भी कुछ ट्रिक है। देखिए, अभी ये क्या है ना, आप ऐसे हाथ को सीधा करके नहीं काट सकते, इसको फॉर्मेट जो इसका है ये उल्टा करके काटेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी डस्टिंग है वो पीछे जाएगा और मशीन ऑटोमेटिक आगे जाएगा।
अगर आप सीधा मुंह की तरफ से काम करेंगे तो फिर वो बहुत थोड़ा टफ हो जाता है काम करने के लिए, और इसमें ऐसा जोर भी नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से आप फॉर्मेट घुमा करके काम कर सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर। इसका ध्यान हमेशा रखना है कि मशीन का चाल जिधर होता है आपको हमेशा उधर ही आना है। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में काम करेंगे तो फिर वो काम होगा नहीं और कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहेगा, क्योंकि उसमें डबल प्रयोग होगा। अभी देखिए ये कैसे आराम से नीचे आ रहा है, मशीन जो है रोटेशन ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, इसका रोटेशन है उसी हिसाब से आप मशीन को दबा दीजिए, दबाना नहीं सॉरी सिर्फ सपोर्ट देकर के आगे रखना है, आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, धीरे 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 ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कैसे कटिंग हो रहा है। कटिंग हो जाने के बाद अब इसका जो झरी निकालने का उपाय है, ये देखिए 5 किलो का ब्रेकर मशीन है, आप चाहे तो 26 mm का ब्रेकर मशीन से भी ग्रुप का झरी निकाल सकते हैं। जैसे आप कटिंग कर लिए हैं तो मैनुअली हम लोग छेनी हथौड़ी से काम कर दें, लेकिन अब क्या है मशीनरी ज़माना आ गया है तो मशीन से ही काम फास्ट होता है और जल्दी होता है। तो ये देखिए किस हिसाब से हम लोग झरी निकाल रहे हैं, आराम से दोनों साइड से कटिंग कर दिए हैं, कटिंग करने के बाद बीच बीच में ब्रेकर मशीन चला करके बहुत ही प्यार से निकल जा रहा है। अगर इसमें आप 26 mm का मशीन भी यूज़ करेंगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन उसका क्या होता है कि मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है कंपेयर टू 5 किलो का ब्रेकर मशीन। तो यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा कि 5 किलो का ही मशीन यूज़ करें, इससे पावर भी अच्छा है और अगर आपको बोर्ड का ग्रुप ग्रुप भी काटना हो तो भी आप आराम से काट सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो दीवार वगैरह भी तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोव कटिंग मशीन के बारे में, वॉल सीजर मशीन। इसमें 5 ब्लेड लगता है एक साथ, आप चाहे तो 2 ब्लेड लगा सकते हैं, लेकिन 5 ब्लेड लगता है तो 5 ब्लेड लगने से क्या होगा कि पूरा नाली के तरह कटिंग हो जाएगा, मतलब ग्रूप बन जाएगा, पाइप का जो ग्रूप होता है वो बन जाएगा, झरी निकल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे काम होता है ग्रोव कटिंग मशीन से और किस हिसाब से उसको किया जाता है। देखिए ये जो ग्रोव कटिंग मशीन है इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, आपको जैसे मन चाहा वैसे काम कीजिए, आराम से काम कीजिए, जिधर से घुमाना है उधर से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो डस्ट निकलेगा वो पाइप के थ्रू ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। देखिए ये जिस तरह से वॉल है, वॉल में कट रहा है, इसमें पाइप नहीं लगा हुआ है, जिस तरह से कट रहा है कट कट करके ऑटोमेटिक ग्रूव बन रहा है, देखिए आप देख सकते हैं पूरा। अब इस मशीन में क्या फ़ायदा है कि एक ही बार में मेरा काम फिनिश होते जा रहा है, दोबारा लफड़ा नहीं है कि हाँ हमको वो काम करना है, पहले वॉल को काटना है फिर उसको झरी निकालना है, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक एक ही बार में सब काम हो जाएगा। बट ये मशीन क्या है ना, थोड़ा भारी होता है और बहुत मिस्त्री इसको चलाता नहीं है, जिस वजह से लोग ग्राइंडर का और कटर का यूज़ करते हैं। बट मेरा सजेस्ट यही है कि वो दोनों मशीन से बेटर है कि आप इस मशीन का यूज़ करें, बट जो अभी लास्ट में है वो सबसे बेटर मशीन है जिसके बारे में हम लोग आगे बताने वाले हैं आपको। वो मशीन का मतलब वेट भी कम है, गजब का माइंड ब्लोइंग मशीन है। तो लगातार मेरे वीडियो में रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं और उसके बारे में भी बताते हैं कि वो कैसे मशीन काम करता है और कैसा है। फ़िलहाल अभी इसके बारे में बात करते हैं और आप देखिए ब्लेड से किस तरह से एकदम आराम से पाइप का साइज़ का कट गया है। वाह, तो फाइनली वो टाइम आ ही गया जो आज का धमाकेदार मशीन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि
कौन सा बेस्ट मशीन है जो दीवार में काम करने के लिए एकदम परफेक्ट है, जो मिस्त्री को नॉलेज नहीं है, जो एक अननोन पर्सन है वो भी आराम से काट सकता है इस मशीन को और पूरा सेफ्टी के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं और समझते हैं पूरा डिटेल इस मशीन के बारे में। देखिए ये जो मशीन है इसमें बहुत फीचर है, और हाँ ये टूलसेन कंपनी का मशीन है, बट मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इसी सेम मॉडल में बहुत सारा कंपनी है, जैसे जेसीबी है, मॉल है, और भी बहुत सारा ब्रांड है जो इस तरह का सेम मॉडल में कंपनी ने लॉन्च किया है। आप चाहे तो कोई सा भी मशीन यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड वो आपका ऊपर डिपेंड है। हाँ बट ये मशीन क्या है ना, फुल सेफ्टी और सेफ, वजन भी नहीं है। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है ना, ये ब्लेड एडजस्टेबल मशीन है, मतलब आपको जितना रिक्वायरमेंट है डीप काटने का आप उतना ही काटिए, किसी तरह का कुछ ये नहीं है कि हाँ इसमें इतना ब्लेड लगेगा तो इतना ही कटेगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये एडजस्ट है, आगे पीछे करके आप इसका ब्लेड का साइज़ को अप डाउन कर सकते हैं, जितना चाहे डीप काट लीजिए, जितना कम चाहे उतना कर लीजिए। कभी कभी हमको कम का पैकिंग वैकिंग देना होता है तो उसमें ग्राइंडर से काटेंगे ज़्यादा कट जाएगा, कटर से काटेंगे ज़्यादा कट जाएगा, बट इससे क्या है, गेज है, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही कटेंगे और पूरा सेफ कटेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।